गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मॉडल के बारे में पढ़ रहे थे ना। मॉडल में महिला है मतलब की टेन और थोड़ा हमने पढ़ लिया। अब उसके बाद महिला है मतलब तो ये तो मेन मॉडल है। इसका प्रयोग अपन करते हैं जब हम किसी भी काम के होने की संभावना के कारण हो। अगर हमारा कोई भी कार्य जिसके होने की हम संभावना बताते हैं तो ऐसे स्थान पर हम मेन मॉडल का प्रयोग करते हैं। मैं का जब भी अपन प्रयोग करेंगे तो उस वाक्य में कोई ऐसी संभावना होगी जो हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है ना। जब हम किसी भी काम के होने की संभावना के बारे में बताते हैं, संभावना आदि अलग अलग होती है। एक होती है कम संभावना, एक होती है अधिक संभावना, एक होती है संभावना। तो सभी के लिए अलग अलग मॉडल का प्रयोग किया जाता है। यदि हमारे जो वाक्य उस वाक्य में मैं यहाँ पर जो शब्द लिख रहा हूँ अगर इन शब्दों का भाव है या कोष्ठक में ये शब्द दिए गए, ऐसे स्थान पर हम किसी भी कार्य के होने की संभावना के बारे में बताने के लिए मैं का प्रयोग करते हैं। यदि शब्द हो से यहाँ पर पॉसिबल पॉसिबल प्रोबेबल प्रोबेबल संभावना के लिए मेन मॉडल का प्रयोग नहीं होगा। पॉसिबल संभव पॉसिबल की संभावना प्रोबेबल संभव प्रोबेबल की संभावना गैस अनुमान परमिशन अनुमति परहैप्स शायद यदि ये शब्द है या इन शब्दों का भाव है तो वहां पर आपको मे का प्रयोग करना है। इसमें अनुमति का भाव है, अनुमति का भाव है मैं आएगा, परमिशन का भाव है मैं आएगा, मैं घर जा पाऊंगा। चारों में से किसी भी शब्द का भाव होता है और वाक्य के अंत में
जिसमें आदि भोजन चिन्ह लगा होता है ऐसे स्थान पर लगे उसे भोजन लगाता है वहां पे हमेशा मे देखिएगा मे की बात में होता है बड़ा माई ये जो है इसका प्रयोग अपन किसी भी काम के होने की संभावना के बारे में बताने के लिए करते हैं किसी भी कार्य के होने के लिए हम संभावना बता रहे तो वहां पे माइंड भी आता है अंतर दोनों में ये कि मे का जो प्रयोग करने पर वह हम अति संभावना के लिए होता है और माइंड का जो प्रयोग करने पर वह किसी भी काम के होने की कम संभावना अगर कोई भी हमारा कार्य ऐसा है जिसमें होने की संभावना कम है तो वहां पर अपन माइंड मॉडल का प्रयोग करते हैं मेरे मैंने भी आपको बताया कि मे का जो प्रयोग है वह केवल प्रेजेंट टेंस होने पर होता है पास्ट में कभी भी मे नहीं आता लेकिन ये जो माइंड है इसका प्रयोग करने पर वह किसी भी काम के होने की संभावना कम संभावना के बारे में बताने के लिए सब टेंस में पास्ट टेंस है और कम संभावना बता रहे वहां पर भी माइंड है तो पहला छत्तीस से गिर गया ये खालिस्तान में तब मैं बताओ छत्तीस अगर कोई आदमी गिर गया और फिर अपन कह रहे क्या वो मैच में खेल गया उसके खेलने की संभावना कैसी हो गई कम संभावना हो गई दूसरा यहाँ पे पास्ट टेंस आ रहा है पास्ट टेंस है और कम संभावना बता रहे तो माइंड अच्छी तरह से टेंशन करें बार बार रिवाइज करें कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कंसल्ट करें ओके।